कितना व्यथा व्यथित कर रखलनि बुझाइए जे हमर श्रोता दर्शक सेहो किछु व्यथित भऽ गेलता। एहि करी में हम जोड़ो चाहै छियनि बकलेल किसान कविता के लऽ के ओ मोहम्मद गुल हसन अमीन साहब बेरमा आवैत आ अपन कविता के पाठ करैत। मोहम्मद गुल हसन बेरमा कविता छनि बकलेल किसान। कविता पाठ बिना कोनो भूमिका के करैत इस समस्त कविवर सो आग्रह, चूंकि समय किंचित एकदम अभाव छे तैलक एकदम सो शॉर्ट पर हम कार्यक्रम पेश करो जा रहा छी, चूंकि एकर अगला कड़ी वीरांगना नाटक से हो छे अब बच्चा लोग नो तैयार भ गेल छे ये हमर आग्रह अन्यत्र ए बात के नहीं रहे। धन्यवाद। हमर कविता के तक है बगलेल किसान ओकरा हम तरन्नुम कह रहलो म कहिए दले समय का भाव सबटा किसान में हम ही बकले सबटा किसान में हम ही बकले काका हम ही बकले दौड़ू दौड़ू यो काका काका हे दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका सबटा किसान में हम ही बकले सबटा किसान में हम ही बकले काका दौड़ू यो काका सार गहूम चर गेल दौड़ू दौड़ू यो काका गहूम चर गेल दौड़ू दौड़ू यो काका अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलों अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलों डीएपी पोटास संग ओकरो बुनलों अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलों डीएपी पोटास संग ओकरो बुनलों एहन सुंदर गहूम काका एहन सुंदर गहूम काका पारा चर गेल दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका सबटा किसान में हम ही बकले सबटा किसान में हम ही बकले दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका कच्ची आध कोस भर पाइपो पसारलों कच्ची आध कोस भर पाइपो पसारलों महग पानि कीन ओकरो पटेलों कच्ची आध कोस भर पाइपो पसारलों महग पानि कीन ओकरो पटेलों एहन सुंदर गहूम काका एहन सुंदर गहूम काका पार चढ़ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका यो टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यो काका यो टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यो काका सबटा किसान में हम ही बकले सबटा किसान में हम ही बकले दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यो काका कहती बात ई बात कहत गुल हसन कहिए ई बात लिखत गुल हसन कहिए की कहूँ काका अब किचमे फुरइए केल्हा धेल्हा काका सबटा पानि में चल गेल केल्हा धेल्हा सबटा
काका पैन में चल गेल तोरू तोरू यो काका जुलूम भा गेल तोरू तोरू यो काका यो डाक पैर गेल तोरू तोरू यो काका सबटा किसान में हम ही बकले सबटा किसान में हम ही बकले तोरू तोरू यो काका यो डाक पैर गेल तोरू तोरू यो काका जुलूम भा गेल तोरू तोरू यो काका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलशन जी। दौरू दौरू यो काका जुलूम भ गेल आ सबटा गहूम हमर पारा चढ़ गेल आ हम छी सबसे किसान बकलेल। अपने भाई गुलशन जी अमानत पास को अमीनी करै छी ग्राम बर्मा सो बहुत सुंदर बहुत चिकन थपड़ी के गड़गड़ाहट ये स्पष्ट कह दलक। आ अही करी में काव्य गोष्ठी अंतिम जो महान विभूत छै मैथिली साहित्य का आकाश में तो कविता होए गीत होए गजल होए छोट गुनाद कथा होए या उपन्यास होए ते एकर जे प्रणेता छै जैसो मैथिली के एक दिशा निर्देश भेटले उनके आशीर्वचनक इस समस्त क्षेत्र में मिथिलावासी में किछ रचना करवा जे स्पंदन एले स्फूरन एले वो प्रेरणा स्रोत महान कवि जगदीश प्रसाद मंडल जी के हम आग्रह करे चाहे छन वो आवत आ अपन कविता पाठ करत उनका लेल स्वागत में एक बेर उपस्थित समस्त श्रोता बिंदु समस्त दर्शक बिंदु दोनों हाथ से कसगर थपड़ी दे उनका स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद थपड़ी के गड़गड़ाहट धन्यवाद। कविता पाठ करे से पहले एक बात कविता के संबंध में कह दिया चाहे मैथिली के दुर्भाग्य रहले जे मैथिली साहित्य हास्य व्यंग बन गए लेकिन साहित्य जीवन छे केवल हास्य व्यंग या भोज में अचार चटनी जो भोज कहा जाए तो वो भोज गिले वो साहित्य गिले तै कविता में किसी गंभीरता छे कने ध्यान से सुनबे। कविता शीर्षक थी गरीबी गरीबी गुरु आश्रम बीच भट्ठे से पढ़ैत एलौं गरीबी गुरु आश्रम बीच भट्ठे से पढ़ैत एलौं भोरे उठ प्रणाम करै छियनि भोरे उठ प्रणाम करै छियनि मनक आशीर्वाद पबैत एलौं भोरे उठ प्रणाम करै छियनि मनक आशीर्वाद पबैत एलौं राति दिन सुरता बनू ने राति दिन सुरता बनू ने सदिखन चर्च करै छियनि उठते चर्च अपने आबि आबि उठते चर्च अपने आबि आबि जन्म अजन्मक बात कहै छियनि उठते चर्च अपने आबि आबि जन्म अजन्मक बात कहै छियनि आँखिक आगू गुरु गरीबी आँखिक आगू गुरु गरीबी सूतल में जगबै छथि आँखिक आगू गुरु गरीबी सूतल में जगबै छथि दू दिशिया चैल मनुखक दू दिशिया चैल मनुखक पकड़ बाहि कहै छथि दू दिशिया चैल मनुखक पकड़ बाहि कहै छथि अमीर गरीबक चैल दुदिशिया अमीर गरीबक चैल दुदिशिया कखनो अमीर कखनो गरीब बने भाग्यक रेखा अगम अथाह छे भाग्यक रेखा अगम अथाह छे हंस हंस सदिखन सुनबै गरीबी गरीबी सतमार्ग चलै छे गरीबी सतमार्ग चलै छे हंस कुमार्ग अमीरी धरै छे गरीबी सतमार्ग चलै छै हंस कुमार्ग अमीरी धरै छै भेद कुभेद भेद बिन बुझने भेद कुभेद भेद बिन बुझने सुमार्ग कहि कुमार्ग चलै छै जकरा ढौआ ढनढन करे जकरा ढौआ ढनढन करे ओ केना पहुँचत मधुशाला चिकरि चिकरि
गरीबनाथ कहे, चिकरी चिकरी गरीबनाथ कहे, भोजन नहीं थी स्वाद मसाला, अपने हाथे पकड़ में, अपने हाथे पकड़ में, सीमा सरहद देख देख चलबे, अपन आर मेर अपने पकड़, अपन आर मेर अपने पकड़, हंस हंस अपन चैल धरबे। जकरा अहां अमीर बुझै छी, जकरा अहां अमीर बुझै छी, नहीं छियै कि ओ अमीरी, आ न जकरा गरीब बुझै छी, नहीं छियै कि ओ हो गरीबी। बुद्ध देव किया राजपाट छोड़लनि, बुद्ध देव किया राजपाट छोड़लनि, जो अभावे के गरीबी कहबै। भिक्षुक बन पकड़ किया, भिक्षुक बेना पकड़ किया, जिंदगी भिखमंगाक बनबे। गरीबी गरीबी के जे राह पकड़ पकड़ राही बने रनिवास चलैये, गरीबी के जे राह पकड़ पकड़ राही बने रनिवास चलैये, ब्रह्मा विष्णु ओ शिवदानी पदे पद दर्शन करैये। यह गरीबी आ अमीरी धर धर जीवन धार बहै छे, यह गरीबी आ अमीरी धर धर जीवन धार बहै छे, सागर गंगा हेरल कहाँ छे, सागर गंगा गंगा सागर, सागर गंगा हेरल कहाँ छे, तीले तील सदै चलै छे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जगदीश प्रसाद मंडल जी, आप ऐ करी में समस्त काव्य गोष्ठी के मादे नपल तुलल कम से कम शब्द में जना सागर में से गागर डुबा के आशीर्वचन स्वरूप हम आग्रह करवे डॉक्टर जनक किशोर लाल दास जी से, ओ दु शब्द राखत अपने डॉक्टर जनक किशोर। सम्मान सम्मान्य आगत सज्जन वृंद, महिलागण, बच्चा लोकन, कवि लोकन, विद्वान लोकन, ई अभूतपूर्व आई भऽ रहल अछि गोष्ठी। कविता एहन वस्तु होइ छै जे कोनो बहुत भयावह एकरा नहि बनाओल जाय, कविता तऽ जीवन, जीवन के जे आनंद छै से कविताक माध्यमसँ प्रकट होइ छै। ताहि दुआरे एहिठमा सब तरहक कविता सुनलहुँ हमरा लोकक, और ई बड़ा आनंदक विषय एतेक कवि छथि हमरा लोकनिक बीच में, ई हमरा अथियो नहि होइ छल पहिने, लेकिन ई बड़ा आनंदक विषय जे एतेक गोटे छथि कविता बना रहल छथि आ एहिमे आगू बढ़ैत, ई शुभकामना हमर जे जहाँ तक ई सब आगू बढ़ैत एहिमे। आर एहि सङ्गे जे छै ई बात सही छै जे कविता जे छै से बड़ गंभीर होइ छै, कविके कहल गेलनि हँ जे सर्वज्ञ होइ छै, हुनका ब्रह्मक तुलना देल गेलनि कवि पुराण, तऽ कवि आ जतेक पैघ लोक भेलाह हँ, वेद व्यास भेलाह हँ, सब कवि छलाह जे एतेक सात पुराण सबटा लिखलनि, तऽ कवि कर्म जे छै से सामान्य नहि छै, बहुत अध्ययनक बात छै और काफी गंभीर विषय पर, और चेतना जे छै ओकरा कहल जाइ छै कवि सबसँ चेतना के पैघ शिखर पर रहै छथि। लेकिन हमरा लोकनि जे परिवेश में छी, जे क्षेत्र में छी, जे समस्या है जीवन के, ओकरा यदि काव्य के माध्यम से रसात्मक वाक्यम काव्यम कने रसमय बना के वह समस्या के यदि हम प्रकट कर दी तो वो काव्य भ जाइ छै आ लोक के आनंददायक बनै छै। लेकिन सबसे पैघ बात है जे कविता में हितार्थ हेबाक चाही, जनहितार्थ, जे लोक के ओहिसँ किछु लाभ हो, जथा तुलसीदास के संस्कृत के बड़का बड़का कवि लोकनि रमणीय अर्थ प्रतिपदार्थ सह कविता के मानै छलखिन, अथवा रसात्मकम वाक्यम वाक्यम काव्यम सह बुझै छलखिन, लेकिन काव्य के एकटा औरो अर्थ होइ छै जे ओ जन जन समूह के से प्रभावित करै, ओकर दुख सुख के व्यक्त करै, ओकरा एकटा रास्तो देखबै, तऽ इहो एकटा कवि के धर्म भऽ जाइ छै। तैं जे तुलसीदास कहलनि हँ जे ओ काव्य के जन समुदाय के हितार्थ जे छै से लिखलनि, तैं
ई बात तो जरूर जे काव्य में सब तरह बात रही है, लेकिन लोग लोग के कल्याण हेतु जो बात रही है वो सर्वोत्तम मानल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदा लोकन के जत गोटे आयल थे, हिंदा लोकन के शुभकामना हमार जे लोग आगू बढ़े। अखन बहुत नौजवान लोग सब काव्य में, लेकिन इनमें बहुत अध्ययन के काज पड़े, चिंतन के काज पड़े आ किस समय देवा के काज पड़े। तै धीरे धीरे सब गोटे बहुत उत्कृष्ट काव्य रचना लगता, ये हमारे विश्वास है। आ कह के हम हिंदा लोकन के बहुत बहुत धन्यवाद दी। आशीर्वचन हमरा लोकन आत्मसात करे छी और अध्यक्ष भाषण से पूर्व हम संयोजक महोदय से आग्रह करबन जे एक कार्यक्रमक जे अगला करी नाटक के वीरांगना सब कलाकार के मौजूद रखा आ ओसे पूर्व सरोज कुमार मंडल जी के सेहो तैयार रखा जे कार्यक्रमक अगला करी पर हुनकर प्रस्तुति आवश्यक है। आप हम चले काव्य गोष्ठी के समापनक दिश जाहिमे अध्यक्षीय भाषणक लेल हम माननीय जगदीश प्रसाद मंडल जी से आग्रह करबनि आबैत और आशीर्वचन स्वरूप हमरा लोकनि के अध्यक्षीय भाषण सुनाबथि। ओना अध्यक्षीय भाषण कार्यक्रमक अंत में होइ छै, लेकिन एहिठाम तीन तरह कार्यक्रम छल, एक सम्मान समारोह, दोसर कवि गोष्ठी आ तेसर नाटक अछि। तऽ दोसर सत्र जे अछि कवि गोष्ठी ओ समाप्त भऽ रहल अछि, अहाँ सब उपचार ने एहिके लगले बाद नाटक शुरू होयत, तकरा अहाँ सब देख सुन के जायब। जँ अहीं सब नहि रहबै तऽ हमरा सबके उत्साह केना बढ़तै, तैं उत्साह बढ़बे के लिए अहाँ सबके रहब तो जरूरी है। तैं हम आग्रह करब जे जहिना जतय जे बैसल छी तहिना बैसल रही और अगला कार्यक्रम देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य गोष्ठी के समापन में हम आग्रह करबन सुनील कुमार मंडल जी, सरोज कुमार मंडल जी से वो आवत आ माँ सरस्वती के वंदना गावत। सुनील कुमार मंडल जी वो आवत सरस्वती वंदना के सुनील कुमार मंडल सरोज जी मंच पर